खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। अगर दिल में कुछ करने का हौसला हो और अपने लक्ष्य के प्रति सजग है और पूरी मेहनत से आगे बढ़ते गए तो सफलता जरूर हासिल होती है, और यदि हौसला बुलंद हो तो कितनी भी खराब परिस्थिति हो सफलता जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है महू के तेलीखेड़ा में रहने वाली 11 वर्षीय यशी ने। इतना ही नहीं, अपने शहर महू का नाम पूरे देश में रोशन किया है और अपनी और अपने शहर की एक अलग पहचान बनाई है। मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी यशी में शुरू से ही डांस के प्रति एक अलग ही लगाव था। इस प्रतिभा को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए अपनी पहचान के रूप में तैयार किया है। यशी का चयन NTV चैनल पर आयोजित इंडिया टैलेंट 2 प्रतियोगिता में हुआ है। यशी के माता पिता दोनों ही मजदूरी का काम करते हैं। यशी का कहना है कि उन्होंने ये सफलता कड़ी मेहनत और अपने माता पिता के आशीर्वाद से हासिल की है। वो अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने कोरियोग्राफर को भी देती है। यशी का कहना है कि आगे जाकर मेरे शहर मऊ के नाम को देश में एक अलग ही पहचान देना चाहती हूँ और डांस के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। चाहूंगी, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो भी हूँ आज मैं, वो मेरे कोरियोग्राफर और मेरे मम्मी पापा की वजह से हूँ। फर्स्ट पॉइंट आता है मेरे मम्मी पापा के ऊपर, तो मेरी मेहनत कुछ नहीं है। मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट इतना है मुझे कि वहाँ तक उन्होंने कैसे भी करके मुझे देहरादून तक पहुँचाया, मनी का इधर उधर से इंतज़ाम किया और वहाँ तक पहुँचाया। और हम इतने घर की स्थिति नहीं है हमारी कि वहाँ तक पहुँचाया, लेकिन मेरे पापा का मुझे पूरा सपोर्ट है। और मुझे कोई कोरियोग्राफर नहीं मिल रहा था कोई डांस सिखाने के लिए, तो एक DID शो के होके आए दीदी जो झांसी के रहने वाले। मेरे पापा ने उनको इंदौर जा के पूरा ढूंढा, उन दीदी का लेके आया, फिर उनसे हमारी कॉल पे बात होती रहती थी दीदी से। फिर वो मेरे से दिल्ली से मिलने आए थे, तो इसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। जो मेरे लिए वो कर सकते ना, वो मेरे से फीस लेते हैं मेरे को कुछ भी सिखाने की, इसको वो है मेरे कोरियोग्राफर। और मैं इसका पूरा क्रेडिट मैं मेरे कोरियोग्राफर को देना चाहूँगी। मैं इतने बड़े स्टेज की वजह से हूँ जो है मेरे कोरियोग्राफर। और मेरे मम्मी पापा का मुझे पूरा सपोर्ट है। कोई कोई डांसरों को जिनके मम्मी पापा को सपोर्ट नहीं होता वो डांस नहीं कर पाते। नहीं, मुझे बचपन से डांस का शौक है जो है मेरे मम्मी पापा की वजह से और मेरे कोरियोग्राफर की वजह से हूँ। वहाँ पर हमें बहुत परेशानी आई ट्रेन में, कभी इतना दूर का हम लोगों ने सफ़र नहीं किया, मेरे को इतना पता नहीं था, मैं कभी ट्रेन में बैठी भी नहीं थी। मैं पहली बार ट्रेन में बैठी, इतनी दूर तक गई, इसे चक्कर आते थे बैठने में वहाँ पर। इतनी दूर तक हम गए कैसे भी करके, फिर वहाँ पर हम पहुँचे थे। और मैं वहाँ पर डांस रिलेटेड शो में पहुँची, इंडियाज टैलेंट फाइट या NTV पे इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। अब है मेरा ग्रैंड फिनाले ऑडिशन। हम बिहारीगढ़ में एक रिजॉर्ट है द पेंचर्स ऑफ रिजॉर्ट, बहुत बड़ी होटल है, वहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था। जजिंग के लिए वहाँ पर आए थे मेहुल मेहता सर, जिन्होंने मुझे जज किया था, और उनको मेरा डांस बहुत पसंद आया और मेरे को इतना अच्छा लगा जब मेरे टिकट चिप की थी, तो मैं बड़ा हैप्पी हुई थी। और वहाँ पर एक डांस वो रियलिटी शो में वहाँ की सारी मैमों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मेरी शिनाई दी को भी मैं बहुत बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी, उनकी मेहनत और उनके लगन से मैं आज यहाँ इस पोजीशन पर हूँ। और अभी वो बोलते हैं कि हमेशा 100 सीढ़ी चढ़ना है, अभी तो मैंने 1 सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है, अभी मुझे पूरी 100 सीढ़ी चढ़ना है। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही आज के लिए, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।